हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं एज आयु के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और जो मैं 20 डेज का एक क्रैश कोर्स बनाया है मैथ का, जिसमें हर एक चैप्टर से 5, 10, 15, 20 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वो पहली वीडियोज नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप वो पहली वीडियोज भी देख सकते हैं। वीडियो का टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं, मैथ की वीडियो डेली आपको 9 बजे मिल रही है रात को, और रीजनिंग की मिल रही है 3 बजे दोपहर को, और करंट अफेयर की वीडियो मिल रही है सुबह 7 बजे। तो ये वीडियोस देख करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 20 टेस्ट 120 रुपये में, यहाँ पे 20 टेस्ट आपका 199 में है, ठीक है। तो इन टेस्ट में सभी में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 30 रुपये का, जो कि ये सभी जो प्राइस लिखे हैं आफ्टर डिस्काउंट लिखे हैं। तो डिस्काउंट लेने के लिए इस कोड को भरिएगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, और साथ साथ में आप क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, जो भी आपका राइट आंसर है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है तथा उनकी आयु का अंतर क्रमांक समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि जब यहाँ पे 4 भाई बोले जा रहे हैं और समान रूप से 4 वर्ष का उनके आयु में अंतर बताया जा रहा है, तो हमें आयु तो पता ही नहीं है उनकी कि किस किस तरीके से आयु है, ठीक है, आयु का अंतर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन है इसको मैं दूर कर देता हूँ, कैसे ये इसमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, और वो कैसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया 4 भाई हैं, तो 4 भाई को सबसे पहले भाई को मैंने मान लिया कि उसकी एज एक्स है, दूसरे वाले कितनी हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष का डिफरेंस है सभी में। दूसरे तीसरे वाले की कितनी हो जाएगी x प्लस 8, यानी कि 4 वर्ष का इसमें डिफरेंस हो जाएगा। फिर तीसरे वाले की सॉरी चौथे वाले की कितनी हो जाएगी x प्लस 12, क्योंकि 4 वर्ष का डिफरेंस इसमें हो जाएगा। यानी कि आपको जो पहले वाला भाई है सबसे छोटा मान लीजिए जिसको बोला जाए, तो उसकी एज को x मान लेना है, बाकी की प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करके लिख लेंगे। और जो इनकी एज का सम दिया गया वो कितना है, 56 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देख लेते हैं दोबारा से पढ़ के, 4 भाइयों की आयु का यो जो योग है वो 56 वर्ष है। तो समझ गए ना आप इतनी चीज़ें, अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए तो समझिए क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है। बस जो भी था यहीं तक ही था, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक ही था। सबसे छोटे वाले की आपने आयु मानी x, तो दूसरे वाले की हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि सभी की एज में 4-4 वर्ष का डिफरेंस है। तीसरे वाले की हो जाएगी एक्स प्लस 8, और चौथे वाले की हो जाएगी एक्स प्लस 12। तो कितना हो गया सम से, इनका हमें पता है 56 है, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4 x प्लस, और इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, और ये 12 24 ही हो जाएगा। तो 4x प्लस 24 इक्वल किसको हो जाएगा 56 के, तो 24 इस साइड में आएगा, 56 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 32, तो 4x बराबर आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 4, तो 8 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को, x के इक्वल क्या आया आपका 8 वर्ष आया, यानी कि सबसे छोटे वाले की आयु जो उम्र वर्ष है कितनी है वो 8 वर्ष है। तो ये आपको पता चल गया, तो आप सबसे बड़े की, छोटे वाले की, बीच वाले की, किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा भाई जो है x प्लस 12 है, तो x की वैल्यू आपको 8 मिली है, तो यहाँ पे 8 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया गया है, ट्राई करिए और जो भी आपका राइट आंसर है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में आज प्रेजेंट में पिता और पुत्र की जो आयु का योग है सम है वो 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था ये था। तो भाई मुझे एक बात बताइए, आयु का सम तो मिला है प्रेजेंट का, और जो उनका रेशो मिला है 5 वर्ष पूर्व का 5 साल पहले का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये सम है ना इसको 5 वर्ष पहले का बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। अगर मैं इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो मुझे 5 वर्ष पूर्व की आयु उनकी पता चल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही करना है, और बताना क्या है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो इनकी प्रेजेंट में आयु कितनी है 100 वर्ष है, ठीक है, फादर और सन की, इसमें से मैं 10 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 5-5 साल पहले का जो रेशो है 5 वर्ष पूर्व आयु का रेशो जो है वो 2:1 है,
तो जो 100 वर्ष है इसको मैं 5 वर्ष पूर्व का बना लेता हूँ इस 100 वर्ष को, तो इसमें से दोनों की 5-5 माइनस करूँगा तो 90 होगा। ये 90 जो है ये सम कब का हो गया, 5 वर्ष पूर्व का, 5 साल पहले का सम 90 है। अब इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 90 को 2:1 में। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फादर की एज कितनी होगी, 2/3 ये हो जाएगा इसका, और 1/ ये रेशो हो जाएगा सन का और ये हो जाएगा फादर का। तो 90 को 3 से भाग किया और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष तो हो गई फादर की 90 में से, और सन की कितनी हो गई, 90 का 3 से भाग किया और 1 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गई। यानी कि फादर और सन की जो एज है वो कितनी है, 60 है और 30 है। फादर और सन की एज कितनी है, 60 और 30 है, और यहाँ पे क्या है, ये 5 वर्ष पूर्व की एज थी, ये 60 और 30 है ना, 5 वर्ष पूर्व की है। तो सबसे पहले तो इसको प्रेजेंट बना लेते हैं 5-5 प्लस करके, तो 65 और 35 ये कब की होगी, मतलब कि प्रेजेंट की, आज वर्तमान की आयु इनकी कितनी है, 65 और 35 है। बट जो आयु का रेशो पूछा है वो 10 वर्ष बाद की का पूछा है, तो 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, दोनों में 10-10 प्लस करिए तो कितना हो गया, 75 और 45। ये आपका क्या हो गया, 75 वर्ष और 45 वर्ष 10 वर्ष बाद की एज इनकी आ गई है। बट यहाँ पे एज नहीं पूछा, अगर एज पूछते तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो चुका होता। अगर एज नहीं पूछा है, पूछा क्या है, रेशो, रेशो में इनको काट लेते हैं, 15 3 45 और 15 5 75, ये 5 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 और 3 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे, और इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि अजय और विजय की आज वर्तमान में आयु का जो अनुपात है 3:4 है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। इस समय विजय की आयु कितनी है, विजय की आयु आपको बतानी है। भाई इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर करते हैं इसको, ये सबसे आसान है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, 3 और 4, 4 और 5, यानी कि उनकी आज वर्तमान में अजय और विजय की एज का जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 4 है। और यहाँ पे कितने वर्ष बाद बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए देख करके, इन दोनों के बीच में जो रेशो के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। भाई इधर भी डिफरेंस 1 का है और इधर भी डिफरेंस 1 का है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो समझिए क्वेश्चन खत्म यहीं पे आप सेकंड में आंसर ला सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसका भी हम बताएंगे कि कैसे आपको करना है, डिफरेंस पहले सेम करना है उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस तो सेम आ गया, यानी कि जो रेशो बड़ा है 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है जो 5 वर्ष बाद का रेशो ये दिया गया है, ये प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का रेशो ये है। तो इसका मतलब ये रेशो में तो केवल 1 दिखा रहा है, बट ये 1 किसके इक्वल है, 5 वर्ष के इक्वल है। तो 1 की इक्वल यानी कि 1 रेशो के बराबर 5 है। तो आपका पूछा किसका गया है, पूछा विजय की आयु पूछी गई है, तो विजय की आयु अगर आपको निकालनी है तो 4 से 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 20 है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 रेशो के बराबर 5 है, तो यहाँ पे विजय का रेशो कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अगर यहाँ पे पूछा जाता विजय की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो 4 किस में कर देते, अगर अजय की आयु पूछी जाती तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते, अगर पूछा जाता 5 साल बाद अजय की आयु कितनी होगी तो 4 में मल्टीप्लाई कर देते। बस इतना आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी राजीव की वर्तमान आयु। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी राजीव की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैंने मान लेता हूँ राजीव की वर्तमान आयु X है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद यानी कि राजीव की आयु अगर आज X है तो X प्लस 15, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु राजीव के 5 वर्ष पहले के 5 गुना हो जाएगी, यानी कि राजीव की आयु अगर आज X है तो इसमें से मैं 5 माइनस करता हूँ और जो भी आयु आएगी उसका 5 गुना हो जाएगी 15 वर्ष बाद। समझ रहे हैं आप ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, भाई राजीव की आयु आज X है, यहाँ पे बोला जा रहा है राजीव की आयु का जो आज X है मैंने माना है 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मुझे भी लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको शायद समझ में ना आ रहा हूँ, बट फिर से मैं ट्राई करता हूँ। राजीव की आयु आज X है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है 5 साल पहले राजीव की जो आज प्रेजेंट से 5 साल पहले की जो आयु है ना, तो 5 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी X-5,
उसका 5 गुना हो जाएगी 15 साल बाद, राजीव की आज की आयु से 15 साल बाद। तो आज की आयु में प्लस 15 कर देंगे और ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5x और -25, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 15। तो x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो कितना बचेगा 4x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा इस साइड में जाके। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना होगा 10 वर्ष, यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पे यही पूछा गया था आपसे कि क्वेश्चन कहाँ पे गया, हाँ राजीव की वर्तमान आयु, तो राजीव की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो x की आपको वैल्यू मिल गई है, तो 10 वर्ष इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं दोबारा से भी कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज वही है, उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 17 वर्ष थी उनकी 5 सदस्यों की आयु, तो 17 गुना 5 मैंने किया तो कितना होगा 85 वर्ष हो गया। ये क्या है, ये आपकी जो 17 वर्ष थी ना, ये कब की है, देखिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। 3 वर्ष पहले की आयु है, 5 सदस्यों के 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है, औसत आयु 17 वर्ष है। तो मैं इसमें 3 प्लस कर दूंगा, सभी की 3-3 प्लस करूंगा, यानी कि 5 सदस्यों की 3-3 वर्ष और मैं प्लस करूं तो 15 वर्ष में प्लस हो जाएगा। तो ये 100 जो आया है, ये आज 5 सदस्यों की वर्तमान आयु आ गई है, ये 5 सदस्यों की वर्तमान आयु आ गई है। माना शिशु की वर्तमान आयु x है, हमने मान लिया शिशु की आयु पूछी है ना क्वेश्चन में, हमने मान लिया शिशु की वर्तमान आयु x है, ठीक है ना। तो एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज वही है, उस शिशु के वर्तमान आयु क्या है, यह आपको बताना है। तो मैंने माना कि शिशु की आयु x है, तो यहाँ पे 100+x मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है प्रेजेंट में जो आयु है ना, जो प्रेजेंट में 5 सदस्यों की आयु है वो कितनी है, वो 100 है। तो 100 में प्लस x कर दूंगा, यानी कि अब ये 6 मेंबर की आयु हो गई, और 6 मेंबर की आज भी जो औसत आयु है वो 17 ही है, तो 17 की माइनस मल्टीप्लाई की मैंने 6 में, तो कितना आ गया 102। अब ये जो 100 और 102 का डिफरेंस है, ये x की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो 100 में से 102 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि जो वो बच्चा है, जो शिशु है, उसकी जो आयु है वो 2 वर्ष है। समझ गए ना आप इन चीज़ों को, भाई 5 सदस्यों की वर्तमान आयु ये है, आज भी उनकी आयु का जो औसत आयु है वो 17 है, तो 6 सदस्य हो गए, एक शिशु भी हो गया है, तो 7 की मल्टीप्लाई 6 में हमने की, तो कितना हो गया 102। अब 100 का और 102 का डिफरेंस कितना है 2 का, यानी कि 2 किसके इक्वल होगा, वो इस शिशु की आयु के इक्वल हो जाएगा, तो आपका ये 2 इज द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 8 वर्ष पहले गनी की उम्र सोनी से आधी थी, सोनी आज गनी से 20 वर्ष बड़ी है, आज से 10 वर्ष बाद गनी की क्या उम्र होगी। 8 वर्ष पहले गनी की उम्र सोनी से आधी थी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो सोनी है वो गनी की उम्र सोनी से आधी थी, यानी कि गनी की उम्र अगर 1 है तो सोनी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इनके बीच में डिफरेंस 1 का दिया जा रहा है, बट यहाँ पे जो बड़ा और एज का डिफरेंस बताया जा रहा है कि गनी की उम्र सोनी से आधी थी, सोनी आज गनी से 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि 20 वर्ष बड़ी है सोनी, तो इसका मतलब रेशो में तो केवल 1 ही दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये 20 वर्ष बड़ी है। भाई रेशो तो एक्चुअल में एज नहीं बताता ना, तो रेशो में तो सिर्फ 1 का डिफरेंस दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये 20 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब 1:1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 20, तो गनी की उम्र कितनी हो गई आपकी 20 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आज से 10 वर्ष बाद गनी की क्या उम्र होगी, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पे उम्र पूछी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो गनी की उम्र आई है ये 8 वर्ष पहले की थी 20, यानी कि तो इसे सबसे पहले तो 8 प्लस करके प्रेजेंट की बनाऊँगा 28, और जो 28 आई है वर्तमान की आई है तो इसमें 10 प्लस करके 38 बना दूंगा 10 वर्ष बाद की, क्योंकि यही पूछा गया कि 10 वर्ष बाद गनी की उम्र क्या होगी, तो 38 वर्ष हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको आपको घर के लिए, जो कि आप अभी ट्राई करेंगे, और जो भी इनका राइट आंसर देगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम सहित लिखिएगा। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, अभी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने पढ़ाई है चीजें उनमें से ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करिए और इसका जो भी राइट आंसर था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करिए, 8 का राइट आंसर क्या रहेगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे बता दीजिएगा, तो वीडियो को रोक करके इसको भी ट्राई करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो गया, ठीक है, इसको भी ट्राई करिए और जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देगा वो अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप इसको भी कर लेंगे, वीडियो को रोक करके इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप इन टेस्ट को परचेज करके आप अच्छे मार्क्स मतलब स्कोर कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इनका प्राइज कुछ भी नहीं रखा गया है। अगर सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो भी सीरियस कैंडिडेट है सिलेक्शन लेना ही लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इसका प्राइज मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। 120 रुपये आप यूँ चुटकियों में उड़ा देते हैं इधर से उधर जाने में, और यहाँ पे आपकी एक जॉब का सवाल है, तो इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये 199 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आप परचेज करके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, जितना भी टाइम आपके पास बचता है पढ़ाई के बाद इन टेस्ट को लगाइए। यहाँ पे कोड भी आप मैंने दे दिया सौरभ SPL, इसको भरते हैं तो आपको 120 रुपये मिलेगा। अगर आप इस कोड का यूज नहीं करते हैं तो ये 149 का आपको मिलेगा, ठीक है। इसके PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पर आपको इसका PDF का सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक सर्च करके, वहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चंस के रिप्लाई देता रहता हूँ। तो वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।